नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी नगर में बन रहे 4 लेन रोड की जानकारी देने जा रहे हैं। बताएंगे इस परियोजना के काल चक्र की जानकारी तथा देखेंगे परियोजना की वर्तमान परिस्थिति और देखेंगे निर्माण कार्य की ड्रोन व्यू भी। इस नवीन व महत्वपूर्ण परियोजना की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गंगा के पश्चिमी तट पर बसे विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर की धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व तो थी ही, परंतु वर्ष 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद बन भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इसके पश्चात से इस नगर की राजनीतिक महत्व भी बढ़ गई है, जिसके फलस्वरूप वाराणसी में मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से नगर में रिंग रोड, मल्टी लेवल पार्किंग्स तथा नवीन पुल व फ्लाईओवर जैसी सैकड़ों परियोजनाओं पर कार्य हुए हैं, जिनकी आपको हमारे चैनल पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध मिल जाएगी। इसी क्रम में वाराणसी की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने तथा नगर में प्रवेश मार्ग को भी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से वाराणसी बाबतपुर 4 लेन की तर्ज पर अब वाराणसी से भदोही मार्ग के रोड को भी 4 लेन में विकसित करने की योजना पर कार्य संचालित है। अब यदि वाराणसी नगर के नवीन 4 लेन रोड निर्माण कार्य की जानकारी दें तो आपको बता दें कि वाराणसी के चांदपुर से लेकर अकेलवा के निकट रिंग रोड तक लगभग 8.5 किलोमीटर के मार्ग को 4 लेन का बनाया जाना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2 के आने के पश्चात से वाराणसी में विकास की परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ रखी है। चांदपुर से अकेलवा रिंग रोड तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य की वर्तमान समय में तीव्र गति से कार्य संचालित है। इन परियोजनाओं के लिए शासन ने 100 करोड़ रुपए भी आवंटित बहुत पहले ही कर दिया था, जिसके अंतर्गत 6 लेन और 4 लेन सड़क बनाने के बाद इस रोड पर जाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से भदोही तक जाने में समय भी कम लगेगा। इसके निर्माण से इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग और कारोबार को भी लाभ होगा। आपको हम इस रिंग रोड से आरम्भ हो रहे इस मार्ग निर्माण की ड्रोन व्यू भी दिखाते हैं, ताकि आपको समझने में सरलता हो। आप देख सकते हैं कि यह वाराणसी का रिंग रोड का द्वितीय चरण है, जो कि अत्यंत सुंदर और सुविधा युक्त है, और इसी के नीचे से वाराणसी भदोही मार्ग गुजरता है, जिस पर सीमेंट की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि इस मार्ग चौड़ीकरण के लिए चांदपुर से अकेलवा तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पिछले वर्ष अप्रैल महीने से ही आरंभ हुई थी। प्रशासन ने अधिग्रहण के लिए पहले सर्वे किया था और सर्वे पूरा होने के पश्चात मजिस्ट्रेट गांवों में खुली बैठक कर और किसानों से सीधा संवाद कर उनकी आपत्तियों का निपटारा किया था। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि पूर्वांचल से वाराणसी की कनेक्टिविटी मजबूत कर रही रिंग रोड को शहर से सीधा जोड़ने के लिए 273 करोड़ रुपए से कलेक्ट्री फार्म से रिंग रोड तक 8.5 किलोमीटर, कहें तो 8.6 किलोमीटर 4 लेन की सड़क बन रही है। इससे भदोही की यात्रा भी सरल हो जाएगी। इस सड़क पर घनी जनसंख्या होने और अत्यधिक यातायात का लोड को देखते हुए सड़क का 4 लेन होना आवश्यक है। लोहता समेत कई बाजारों में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी और यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए चिन्हांकन कराकर वर्तमान समय में ध्वस्तीकरण आदि का कार्य भी संचालित है। आपको हम मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य तथा वर्तमान परिस्थिति की विस्तृत दृश्य दर्शाते हैं। बता दें कि नगर के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित हो रही इस सड़क के निर्माण के पश्चात दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज से आने वाले दर्शनार्थी और यात्रियों को नगर में आने में सरलता होगी। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक नगरी काशी से औद्योगिक नगरी भदोही तक की यात्रा अब सरल होगी। काशी से भदोही पहुंचने में कठिन से कठिन 1 घंटा ही लगेगा। यात्रियों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने के साथ दर्शनार्थियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण से सड़कों पर भी भार बढ़ा है।
इसी को ध्यान में रखते हुए नगर में प्रवेश हेतु सभी मार्गों को चौड़ा किया जा रहा है। इसी क्रम में 273 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी कलेक्ट्री फार्म से लेकर रिंग रोड तक 8.6 किलोमीटर सड़क को 4 लेन में बनाया जा रहा है। बता दें कि यह मार्ग स्टेट हाईवे 87 है और इस परियोजना की नोडल एजेंसी PWD है। यहाँ पर 8 किलोमीटर की CC रोड चांदपुर चौराहे से अकेलवा चौराहे तक बनाने वाली 8 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क को सीमेंट और कंक्रीट से तैयार किया जा रहा है। वास्तव में लोहता बाजार और उसके आसपास जल भराव की समस्या के चलते यहाँ सड़क नहीं टिकते और इसकी शिकायत बनी रहती है। इसके साथ ही बाजार और अन्य क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए भी वर्तमान सड़क से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर इस सड़क को बनाया जा रहा है। चांदपुर चौराहे से भदोही मार्ग पर अकेलवा चौराहे से 500 मीटर आगे तक सीमेंटेड 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। यह भी बता दें कि इस सड़क की चौड़ाई 18 मीटर की होगी तथा दोनों ओर 4-4 मीटर के नाले, पाथवे, डिवाइडर आदि बनेंगे। सड़क खराब नहीं हो, जल भराव से यात्रियों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, इसे देखते हुए PWD CC रोड बनवा रही है, जिससे पानी लगने के बाद भी सड़क खराब नहीं हो। महत्वपूर्ण है कि अन्य नगरों की अपेक्षा वाराणसी में प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लाख लोग अन्य जिले, प्रदेश व विदेशों से आते हैं। देव दीपावली, दुर्गा पूजा, गंगा स्नान, महाशिवरात्रि पर्व आदि होने पर यह संख्या 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाती है। दूसरी ओर वाराणसी की पहचान बन चुके जाम की स्थिति से छुटकारा दिलाने हेतु भी नवीन परियोजना पर इस पर कार्य हो रहा है। महत्वपूर्ण है कि वाराणसी भदोही 4 लेन रोड के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात जहां एक ओर काशी वासियों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर यह 4 लेन मार्ग काशी में प्रवेश करने वाले यात्रियों के मन में काशी की आधुनिक छवि को वैश्विक स्तर पर ऊंचा कर देश की धर्म नगरी होने के नाते भारत के सम्मान में भी वृद्धि करेगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी भदोही 4 लेन मार्ग निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।